हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मिंत्रा का एक ड्रेस, मिंत्रा का एक टॉप है, तो मैं उस पर रिव्यू करूँगी और आपको रेडी होकर दिखाऊंगी। सो अगर आप मेरे ब्लॉग पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और मैं अपने इस ब्लॉग चैनल पे बहुत सारी ट्रैवलिंग से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन सारी ड्रेसेस पे बहुत सारी रिव्यू करती हूँ और मेरे बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट्स मैं आपके लिए लेकर हूँ। मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि आप लोग मेरे ब्लॉग में कुछ ना कुछ अमेजिंग कंटेंट देखेंगे, सो प्लीज़ लाइक। सो अब हम आते हैं अपने स्टॉप की तरफ, देखते हैं स्टॉप में ये कैसा निकलता है और फिर मैं इसके साथ आपको रेडी होके दिखाऊंगी और स्क्रीन पे आपको शो हो जाएगा कि ये कितने का है, क्या है। सो ये है, मैंने स्टेप्स वाला मंगाया है, ये डोरियां हैं इसमें, ये नीचे फ्रिल दे रखा है इसमें और ये स्टेप्स हैं। तो मैं दिखाती हूँ और मेरे साथ हो ये रेडी। सो ये है मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स। मैं कंसीलर वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ कॉज मेरे डार्क स्पॉट्स नहीं हैं, टच वुड। तो ये क्रीम्स, आईलाइनर, चीक टिंट, पाउडर, सनस्क्रीन, वॉच, ये मैं इसको आईलाइनर की तरह यूज़ करती हूँ। और ये रही मेरा एक्सेसरीज और ये मेरा ब्लो ड्रायर। सो रेडी होते हैं, आप लोग तैयार है ना, करते हैं आज का मेकअप। सो पहले हम लोग फेस वॉश करने के बाद फिर हम ये टोनर यूज़ करेंगे, तो हम ये टोनर कर लेते हैं। यूज़ करेंगे मैं ये बायोटिक का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग ये लेंगे सनस्क्रीन, पॉन्ड्स की है। बिना सनस्क्रीन के आप लोग कहीं पे भी बाहर मत जाया करिए, स्किन पे जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, डार्क सर्कल्स, ब्लेमिशेस और ये स्पॉट्स छोटे छोटे जो बन जाते हैं और अनइवन स्किन टोन हो जाती है, वो बहुत अजीब हो जाती है और सनस्क्रीन ना यूज़ करने की वजह से होती है। इसको टैप टैप करके सब में लगा लेते हैं। हम लोग 2 मिनट का वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ प्रोडक्ट इस पे यूज करेंगे। मैंने यहाँ गार्नियर की बीबी क्रीम यूज की है। इसको हम पूरे फेस पे टैप टैप करके लगाएंगे और अच्छे से ब्लेंड करेंगे, जिससे कि बिल्कुल ये वाइट, जो थोड़ा बहुत वाइट वाइट दिखता है ना हमारे फेस पे, वो बिल्कुल ना दिखे। अच्छे से आईज़ के नीचे भी हम अच्छे से कवर करेंगे, तो थोड़ा बहुत डार्क सर्कल्स वगैरह हैं तो वो भी नहीं पता चलेंगे। और ये नेक, ईयर्स हम सब कवर करेंगे। अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे पूरी। के बाद मैंने ये लैक्मे का लिया हुआ है, इसके बाद ये मैं पेंसिल यूज कर रही हूँ, ये मिस क्लेयर की पेंसिल है, ये मैं आईज के ऊपर यूज करती हूँ एज अ आईलाइनर। आप डिफरेंस देख सकते हैं कितना अलग लग रहा है ना। के बाद ये काजल, लैक्मे आइकॉनिक का काजल है ये, उसके बाद ये चीक टिंट, ये बहुत ही अच्छा चीक टिंट है, आप इसको एज अ लिपस्टिक भी यूज कर सकते हो। मैं
उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी। बहुत ही नेचुरल लुक आता है, बहुत नेचुरल। देख रहे हैं कैसे इस साइड का चीक पूरा लिफ्ट हो गया है। अब ये लैक्मे की लिपस्टिक, सो ये रहा मेरा लुक और मैं आपको चेंज करके दिखाती हूँ। A few moments later. So, कैसा लगा आपको मेरा ये लुक प्लीज मुझे बताइएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।